चलिए देख लेते हैं हम क्रिश्चियंस का क्या ट्रिक है लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए। ये एक मीठी गोली लेते हैं और एक पैरासिटामोल लेते हैं, है ना, और ये बोलते हैं, देखो बोलो जय श्री राम। मिनट, क्या जय श्री राम? हम कहते हैं जय श्री राम। हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर उन्हीं हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बने हैं उन्हीं से फिर हम लोगों को लड़ाते हैं। बाबी जी जो ये अंग्रेज थे, इन्होंने यीशु के बातों को नहीं माना तो वो विश्वासी भी नहीं है। उनको क्रिश्चियन कहना बहुत ही गलत है। आप सभी अगर बड़ी थी तो उनको पत्थर मार देते। तो देखो ये है इनकी शिक्षा। इसलिए क्रिश्चियनों को बोल दो, ठेठ हिंदी में समझा दो कि अपनी हैसियत में रहो। हम क्रिश्चियंस की हैसियत आपको क्या बताए बाबी जी, हम पहुंच के आ गए चांद में। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मुझे लगता है शायद कुछ कहना इम्पोर्टेंट है। वैसे तो किसी विषय पर डिबेट करना अच्छी बात तो नहीं, लेकिन डिबेट सुनना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इस वीडियो पर दिखाया गया है कि ये किस तरह अनिरुद्धाचार्य जी लोगों को ईसाई के विषय पर उल्टी बातें बता रहे हैं, और दूसरी तरफ एक भाई इस व्यक्ति को अपने तौर तरीकों से जवाब देते हैं। सुनिए आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे बाबाओं को देखेंगे जो केवल क्रिश्चियंस को बुरा भला कहते ही हैं, लेकिन साथ में उनके विषय में और भी बात देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के केस हैं। धर्म परिवर्तन की बात तो छोड़ो, लेकिन इस बाबा का चेहरा देखना एक बार, ये बाबा कम बाबी ज्यादा लग रही है। जरा इसके बाल देखो और गाल देखो, बाप रे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई लोग जंगल में रहते हैं, जंगली कोल भील इत्यादि, तो वो सीधे सरल हैं, तो ये क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इनके धर्म परिवर्तन का देखना ट्रिक कैसी है इनकी। चलिए देख लेते हैं हम क्रिश्चियंस का क्या ट्रिक है लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए। ये एक मीठी गोली लेते हैं और एक पैरासिटामोल लेते हैं, है ना, और ये बोलते हैं, देखो बोलो जय श्री राम। मिनट, क्या जय श्री राम? हम कहते हैं जय श्री राम। ये बोल के बोल देते हैं, अपने बच्चे को बुखार है तो ये गोली खिला दो, देखते हैं तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है। अब मीठी गोली खिला दी, बुखार उतरता नहीं, फिर बोलते हैं ईसू का नाम लेके बोलते हैं, पैरासिटामोल खिला दिया तो घंटे भर में बुखार उतर गई। हाँ। वो बोली देखो तुम्हारा भगवान तो कुछ नहीं है, हमारे ये कुल मिला के ये षड्यंत्र है, विदेशी हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर उन्हीं हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बने हैं उन्हीं से फिर हम लोगों को लड़ाते हैं। बाबी जी सबसे पहली बात, जो आदिवासी लोग हैं ना वो हिंदू नहीं है, ओके? बाबी जी का शायद नॉलेज कम है, वो हिंदू नहीं है। वो लोग पत्थरों को अपने पिता पुरख जो रहते हैं, दादा का पापा का ऐसा वैसा, तो वो उनको मानते हैं, ओके? वो हिंदू नहीं है सबसे पहली बात, तो धर्म परिवर्तन का बात नहीं आया। दूसरी बात जो आपने बोला वो मीठी गोली और क्या पैरासिटामोल वाला, सबसे पहली बात कि कोई विश्वासी ऐसा नहीं करता, यदि करता है तो आप प्रूफ दो, आप सबूत दिखाओ कहाँ पर करता है, ओके, कैसे करता है। दूसरी बात, अरे भाई ये आदिवासी लोग हैं, अरे बाबी जी ये आदिवासी लोग हैं, ये कोई जानवर नहीं है जो मीठी गोली और दवाई ना पहचान सके। हाँ, आप क्या सोचते हो कि वो नंगे घूमते क्या, हुला लाला हु करते हुए जंगल में? ऐसा नहीं है, ये दवाई पहचानते हैं। आदिवासी लोग हमारे यहाँ पर भी हैं बहुत सारे, ओके, अच्छे से काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, काम करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह हैं। और उनका एक्चुअली में देखा जाए इतिहास तो उनका कोई धर्म है ही नहीं। हाँ, वो पिता पुरख को मानते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, ओके, आपस में लड़ाते हैं ताकि फूट डालो शासन करो, ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी और वही पर वो आज भी काम कर रहे हैं। इसलिए जो अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने यहाँ पर राज किया, वे विश्वासी थे ही नहीं, ओके, सबसे पहली बात, क्योंकि यीशु सिखाता है यदि तुम्हारे कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे दो, लेकिन उन्होंने विश्वास किया, उस बात को माना। विश्वासी का अर्थ क्या होता है बाबा जी, थोड़ा कन्फ्यूज है यहाँ पर। विश्वासी का अर्थ ये होता है बाबा जी, जो यीशु के बातों को मानता हो और उसके पीछे चलता हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये अंग्रेज थे, इन्होंने यीशु के बातों को नहीं माना तो वो विश्वासी भी नहीं है, उनको क्रिश्चियन कहना बहुत ही गलत है। आप सभी हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं, आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें, और आप लोग उनको सही शब्दों में समझाओ, है ना। हाँ, कि भाई देखो यदि आपके भगवान को हरी हर निंदा सुनाई, आपको तो एक थप्पड़ तुरंत मार देना चाहिए था उनको। हाँ, लेकिन वो मेरे से बड़ी थी तो। अरे तो बड़ी थी तो उल्टी बात करेंगे, तो पत्थर मार देते। ये है इनकी शिक्षा, थप्पड़ मार देते, अगर बड़ी थी तो उनको पत्थर मार देते। तो देखो ये है इनकी शिक्षा, कमाल करते हैं बाबी जी।
सुनो ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए, हरि हर निंदा सुनहि जे काना होहि पाप गो घात। हम क्रिश्चियन हैं इसलिए चुप बैठते हैं, नहीं तो कोई मुस्लिम होता तो मारता तुम्हें दो लात। समाना भगवान की निंदा ना करनी चाहिए ना तो सुननी चाहिए, सुननी चाहिए है ना। तो इसलिए क्रिश्चियनों को बोल दो, ठेठ हिंदी में समझा दो कि अपनी हैसियत में रहो। हम क्रिश्चियंस की हैसियत आपको क्या बताए बाबी जी, हम पहुंच के आ गए चांद में है ना। मर्यादा का उल्लंघन ना करो, क्योंकि हम लोग किसी को छेड़ते नहीं और कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं, ये समझा दो हिंदी में। बाबा जी आपका ये वीडियो देखकर कर रहा हूँ मैं अपना बहुमूल्य समय खर्च। बाबा जी आपका ये वीडियो देखकर कर रहा हूँ मैं अपना बहुमूल्य समय खर्च। यदि आपका धर्म आपको लड़ना और पीटना सिखाए तो आपका धर्म नहीं है सच। और आप लोग जाग जाओ, नहीं तो ये पूरा छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन हो जाएगा एक दिन। इसलिए आप लोग बिल्कुल लग जाओ इस काम में, ठीक है। बेटियां भाई सब लोग लगो, यही धर्म का प्रचार है। कभी आपने किसी क्रिश्चियंस को धर्म के नाम पे लड़ते हुए देखा है, दंगे करते हुए देखा है? नहीं देखा ना, और देखोगे भी नहीं, क्योंकि यीशु की ये शिक्षा है ही नहीं कि धर्म के नाम पे लड़ो, धर्म के नाम पे मरो मारो, ऐसा नहीं है। और इसका जवाब मैं बाबा जी को शायरी में दूंगा, तो सुनिए। बाबी जी छत्तीसगढ़ तो क्या, अगर पूरा भारत भी बन जाए क्रिश्चियन तो इसमें भारत का ही है लाभ। बाबी जी छत्तीसगढ़ तो क्या, अगर पूरा भारत भी बन जाए क्रिश्चियन तो इसमें भारत का ही है लाभ। कैसा लगा मेरा शायरी वाला जवाब? खैर आज कुछ ज़्यादा ही शायरी हो गया। मेरे प्रिय ये बाबा बाबी जितने भी हैं ना इस दुनिया में, भारत में सबसे ज़्यादा है, ओके, तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ये सब मनी प्रॉब्लम की वजह से ये सब लोग लोगों को धर्म के नाम पे भड़काते हैं। और मैं ये खुद नहीं कह रहा, आप देख लो कि ये इन बाबा को देख लो, अब ये अपने आप को ही परमेश्वर मानते हैं और ये सब क्या कहते हैं कि ये सब जो है, ये जो पैसा है सब मेरा है, मेरा मेरा, मुझे दे दे पैसा। अब देखो हमारे पास 100 करोड़ ये जितना भी फिगर है इसका, तो ये जो है ये दरबार का पैसा या हमारा पैसा कह लीजिए, अब दूसरे लफ्जों में कह लीजिए, स्पष्ट लफ्जों में कह लीजिए, अब वो अपने भक्तों के भेजे हुए पैसे पर जो है, क्योंकि उस पर अधिकार हमारा है। इस क्लिप के द्वारा कोई नेगेटिव सेंस ना ले, पर ये डिबेट को समझे। हमें किसी की निंदा करना या सुनना या करवाना ये ठीक नहीं है, पर हमेशा चुप रहना भी कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। जब वे लोग बॉर्डर पार कर देते हैं अपनी बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, तो कभी कुछ बताना भी पड़ता है ताकि दूसरे लोग भी सुने और जाने। तो सुनिए आखिर खास क्या है इस वीडियो के अंदर। अपने आप को परमेश्वर घोषित कर दिया, ये सब पैसा हमारा है, सुना ना आपने। वेल भारत में आपको अलग अलग किस्म के बाबा मिलेंगे, बूढ़े बाबा, नाचने वाले बाबा, और थोड़े और नाचने वाले बाबा, अलग अलग किस्म के बाबा आपको भारत में देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको एक और बाबा देखने को मिलेगा, अग देने वाले बाबा। आई एम 100% श्योर ये भक्ति तो बिल्कुल नहीं है। अरे कमाल करते हैं यार। मस्ट यू थिंक वॉट यू से, कंट्रोल योर लैंग्वेज। आई एम नॉट यार। मेरा संकल्प होता है वो देर सवेर भगवान फलीभूत करते हैं। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोल। आसाराम बापू को पहले ही पता चल गया था कि वो तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। आइला ये तो भविष्य वक्त है। देखो तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, उन्होंने एक लड़की के साथ कुछ गलत काम कर दिया, एक नहीं बहुत सारे लड़कियों के साथ, तो इसीलिए अभी वो उस केस में जेल के अंदर है। और ये वाले बाबा तो और भी ज्यादा भयंकर हैं। प्रणाम बाबा जी। भाई कहाँ से आप आए? पुणे से आए हो बाबा जी। भाई ये विस्की की बोतल वो भी जॉनी वॉकर की क्यों आ रही है सामने हमारे? क्योंकि बाबा जी को पीने का मन कर रहा है। बाबा जी के जो एक्टर्स हैं इन्हें इतना दुख है, इतना दुख है
क्या बताऊं। चरण प्रणाम निर्मल बाबा जी, कभी कभी सब्जी बनाती हूँ बाबू जी उसकी। प्रणाम। हाँ जी, कहाँ से आप आए? बैंगलोर से जाना है बाबा जी, बुकिंग किया है सितंबर में। बाबा जी, मैं 2011 से आपसे जुड़ी हूँ और आपसे जुड़ने के बाद मैं एक गरीब औरत थी और आज आपने मुझे लखपति बना दिया है बाबा जी। जो चीज की इच्छा रहती है वो चीज मेरे पास आ जाती है बाबा जी। बाबा जी, मैं बहुत 18 साल से दुखी थी, बहुत दिन रात रोती थी बाबा जी, बहुत दुखी थी बाबा, दिन रात आंसू गिरते थे बाबा जी। और बाबा आपकी ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि बाबा वो पाई पाई चुका होगी, नहीं तो बाबा हम बहुत दुखी हो गए थे। और बाबा मैं इतनी दुखी हो गई थी। किसी के, मैं जानता हूँ किसी के आवाज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन ये जो है ना, ये असली दुख नहीं है मेरे प्रियो, ये सब एक्टर्स हैं इस बाबा के। और बाबा मैं इसी दुखी हो गई। और बाबा आपकी ऐसी कृपा हुई कि बाबा वो पाई पाई चुका होगी, नहीं तो बाबा हम बहुत दुखी हो गए थे। बहुत दुखी हो बाबू, काम भी नहीं, कुछ नहीं, ये बच्चा भी आपका दिया हुआ है बाबा। अच्छा, तो बाबा बच्चे भी देता है, वाह। ये बच्चा भी आपका दिया हुआ है बाबा। ये तो थे निर्मल बाबा के कुछ भक्त पेड एक्टर्स। अब हम देखते हैं कि निर्मल बाबा इनको क्या क्या सोल्यूशन देते हैं। निर्मल बाबा का जो सोल्यूशन है ना मेरे प्रियो, ये डिपेंड करता है कि उनको क्या खाने का मन कर रहा है। जलेबियां आपने कहाँ देखी? अच्छा, ये मक्खन बहुत आ रहा है, ये ढोकला डोसा बड़ा सामने आ रहा है, ये नान बड़ा सामने आ रहा है भाई। और कभी कभी बाबा का मूड अगर नॉटी हो जाता है तो उनके सोल्यूशन भी नॉटी हो जाते हैं। हुक्का क्यों हमारे सामने आ रहा है? बताओ, आपने हाथी कब देखा है भाई? हाथी बहुत आ रहे हैं सामने। ये कैसीनो क्यों आ रहा है हमारे सामने भाई? विस्की की बोतल। बस बहुत हो गया। अब हम फीमेल फीमेल बाबी को देखते हैं। आई एम प्योर एंड पाइस। वो एक आम इंसान नहीं है। तो फिर क्या है? राधे माँ। राधे माँ 5 लाख मांगती है आने का, 50 लाख का मेकअप लगाती है। जब अरे राधे माँ ऐसे सरेआम पैसे थोड़ी ना मांगते, मतलब कंट्रोल। अरे मैं आप लोगों को एक चीज बताना तो भूल गया, अभी लाइक करोगे तो अभी बाबा जी का कृपा बरसेगा। तो मेरे प्रियो आज के लिए इतना ही। तो आपने देखा किस तरीके से ये बाबा लोग सबको बेवकूफ बनाते हैं, इसलिए सावधान रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक जरूर करना। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, सुनने पर इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये लोग ईसाई की विरुद्ध तो कर ही रहे हैं, पर ईसाई के विषय प्रचार भी ये लोग ही कर रहे हैं। जहां निंदा ज्यादा हो, जीवित ईश्वर का काम उतना ही बढ़ता ही रहता है। इस क्लिप के द्वारा कोई नेगेटिव सेंस ना ले।